हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि अकाउंट टेक ओवर क्या होता है। तो ये एक ऐसा अटैक है जो कि कोई अनऑथराइज्ड यूज़र है उसको दूसरे किसी यूज़र का अकाउंट एक्सेस करने के लिए, मतलब इससे कोई दूसरा यूज़र उस अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, तो इसको बोलते हैं हम अकाउंटों को टेक ओवर। तो एक बार देख लेते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। प्री अकाउंट टेक ओवर, इम्प्रॉपर रेट लिमिट, रिस्पॉन्स एंड स्टेटस कोड, मैनिपुलेशन, और कई बार सेंसिटिव डाटा को अगर यूटिलाइज़ करें तो वहाँ से टोकन्स या सेशन कुकीज़ एक्सपोज होते हैं, तो वहाँ से हम देख सकते हैं, कर सकते हैं अकाउंट टेक ओवर। आईडोर के थ्रू, पासवर्ड रीसेट, और भी बहुत सारे वो हैं। तो चलिए, ये तो हमने देख लिया कि ये क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, बट हम लोग अब प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो पहले हम अपना बर्ब स्विट और वेब ब्राउज़र, हमारा फेवरेट वन जो कि है फायरफॉक्स, वो चला लेते हैं। और इसमें एक वेबसाइट है vulnweb.php है शायद वो, तो सॉरी यहाँ पे मेरा बर्ब चल रहा है, तो एक बार, हाँ ये रही, तो ये वेबसाइट है। तो इसमें अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अकाउंट टेक ओवर के बारे में बातें करेंगे। तो हम एक बार चलते हैं इसमें, और यहाँ पे ये हमें दे रखा है प्लीज़ यूज़ द यूज़र नेम टेस्ट एंड पासवर्ड टेस्ट। बट अभी हम सोच के चलते हैं कि हमें इसका पासवर्ड और यूज़र नेम नहीं पता है। तो एक बार अपना बर्ब ऑन कर लेते हैं। तो हमने अपना बर्ब स्विच ऑन कर लिया है, अभी तो पहले तो हम लोग एक बार देखते हैं प्री अकाउंट टेक ओवर का, वो हम देख लेते हैं। वो हम शायद यहाँ पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्री अकाउंट टेक ओवर में क्या होता है, मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ। अब आप मान के चलो कोई वेबसाइट है, मान लो हमारी खुद की वेबसाइट है, और एक बार इसको हम ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा मेरा नेटवर्क आज प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि मैं थोड़ा बाहर हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है अभी। इस वाले अकाउंट टेक ओवर को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा क्योंकि इसको हम लोग करके नहीं दिखा सकते हैं। तो अब आप लोग इमेजिन करो कि ये और जो ये वेबसाइट है दोनों सेम है। अभी हमने क्या किया कि हम लोग यहाँ पे लॉगिन पेज पे साइन अप पे गए, और इसमें हमने यूज़र नेम अपना कुछ भी बना लिया, टेस्ट और पासवर्ड, और पासवर्ड भी पासवर्ड और नेम में टेस्ट कर दिया, और क्रेडिट कार्ड नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं, ईमेल एड्रेस अपना डाल देते हैं जैसे कि test@gmail.com, अपने मोबाइल नंबर डाल देते हैं, एड्रेस डाल देते हैं कुछ भी, और हमने यहाँ पे मान लो इसको साइन अप कर दिया। एक बार हम लोग अपना बर्ब ऑन कर लेते हैं कि ताकि कोई भी अगर ट्रैफिक यहाँ पे जा रहा हो तो हमें उसका पता रहे। अभी इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, तो हम यहाँ पे साइन अप करते हैं। अभी ये साइन अप हो गया, इसको हम पहले एक बार रिपीटर में डाल देते हैं कि
अभी इसको आप लोग नोटिस मत करो, बस इसको समझो कि मान लो हमने यहाँ पे इसको अकाउंट अपना रजिस्टर कर लिया। अब कोई अटैकर मानो उस वेबसाइट पे हमारे पास साइन इन विद गूगल और साइन इन विद फेसबुक से वो है, तो मैं आपको एक बार ये सिनेरियो थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो मान के चलो अभी हमने इसमें यहाँ पे साइन अप कर लिया अपनी ईमेल से, और अभी मान के चलते हैं कि हमने test@gmail.com से किया है, बट अभी हमारे पास एक test@gmail.com ये हमारी एक मेल आईडी वो गूगल पे है, गूगल मींस जीमेल पे हमारी एक ऐसी आईडी है, अभी हमने ये रजिस्टर किया था यहाँ पे वैसे। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पे साइन इन विद गूगल का ऑप्शन है और हम लोग यहाँ पे साइन इन विद गूगल करते हैं, और जो हमारा गूगल अकाउंट है test@gmail.com उससे अगर हम लॉगिन करते हैं और इस अकाउंट में हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ पे इस अकाउंट से हम लोग देख पा रहे हैं तो वो है प्री अकाउंट टेकओवर। अब इसको हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं और आप लोग इससे अच्छे बग बाउंटी में रुपए भी कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसी रिपोर्ट्स होंगी जो आपको ऐसी मिल जाएगी, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। .com और प्री अकाउंट टेक ओवर, तो अब आप एक यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी रुक जाओ, अरे अभी हम लोग हैकर वन की कुछ रिपोर्ट्स इस पे देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे $300 इनको मिले हुए हैं। अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमने कहा था कि इसमें लिखा हुआ है कि साइन अप पेज पे जाओ और एक रजिस्टर करो यहाँ पे, जैसे कि हमने ये दिखाया था कि हम साइन अप कर रहे हैं एक मेल आईडी से, इससे हमने किया, और अब ये आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा आपकी ईमेल। अब हम वो नहीं करते हैं। अब अगर कोई मतलब विक्टिम है जो कि इस मेथड को यूज़ करेगा साइन अप विद गूगल, और वहाँ पे ये क्या करेगा कि जो आपका वो पिछला वाला यहाँ पे आपने अकाउंट बनाया था वो इस अकाउंट को इससे लिंक कर देगा। सो आप विक्टिम की हर एक चीज़ देख पाओगे, और यहाँ पे हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई है जिसमें उस बंदे को $300 की बाउंटी मिली है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे अकाउंट टेक ओवर्स है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी तो ये हो गया इसका, अभी हम लोग थोड़ा सा चलते हैं आगे और अभी देखते हैं दूसरा मेथड जिससे हम अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है, अकाउंट टेक ओवर ड्यू टू इम्प्रॉपर रेट लिमिट। अभी आपको पता है कि रेट लिमिट क्या है, वो जब भी किसी वेबसाइट में हम लोग लॉगिन करें तो वहाँ पर रेट लिमिट होनी चाहिए कि ताकि कोई बंदा पासवर्ड या यूज़र नेम को ब्रूट फोर्स ना कर पाए। तो अभी एक बार इस मेथड को भी हम लोग ट्राई करते हैं। अभी यहाँ पे टेस्ट और टेस्ट पासवर्ड और वो हमें पता है, बट हम एक बार इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कुछ भी पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं, और ये प्रॉक्सी में इसको हम इंटरसेप्ट करते हैं। अभी ये हमने यहाँ पे कर दिया, और इसको हम एक बार रिपीटर में भेज लेते हैं। आप अपनी हर रिक्वेस्ट को रिपीटर में भेजें ताकि आपको वो चीज़ याद रहे, और यहाँ से आप लोग चेंज भी कर सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है और क्या नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको एक्सेसेस मिला है तो आप इसको एक्सेसेस नाम दे सकते हैं। तो मैंने पिछले बर्प की अपनी सीरीज़ में ये चीज़ नहीं बताई थी, तो मैं इसलिए ये अभी कवर कर रहा हूँ। सो अभी इसको हम एक बार इंट्रूडर में भेजते हैं, और इंट्रूडर में भेजने के बाद हम लोग इसको क्लियर करके, क्योंकि हमें पता है टेस्ट हमारा यूज़र नेम है और जो हमारा पासवर्ड है हमें उस पे ब्रूट फोर्स अटैक करना है।
तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं पेलोड्स, और हम कुछ पेलोड्स उठा लेते हैं सेकलिस्ट से, या कोई भी आप जो चाहें, जिस भी लिस्ट, जो भी आपको लिस्ट अच्छी लग रही हो, या जो भी आप यूज़ करते हो एसेट नोट से, या कोई भी आपको जो भी लिस्ट पसंद हो उससे आप उठा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हमें इनको सेव करना पड़े, हम लोग यहाँ से सीधा कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं कुछ भी, जैसे ये रहा, इस लिस्ट को हम लोग उठाएंगे और इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कुछ पासवर्ड्स बस, और इनको कॉपी करके मैं अपने बर्प में पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे हमने ये पेस्ट कर दिए, और इसमें मैं अपना रियल पासवर्ड भी डाल देता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको अटैक करेंगे इस पर। तो आप देखेंगे अटैक में कि जो हमारा पासवर्ड है रियल, वो हम इससे ब्रूट फोर्स करके हम लोग कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि सामने वाले इंसान का पासवर्ड है क्या। तो एक बार आप देखें, हर जगह यहाँ पे आपको 302 302 302, और लेंथ भी आपकी सेम है। तो अब इसमें हमें देखना है कि हमारा पासवर्ड जो सही है वो हम देखते हैं। अभी एक बार, जैसे कि ये देखो, आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ और जो स्टेटस है इसका, वो 302 नहीं होके 200 है, मतलब कि हम यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं। आप रिस्पॉन्स में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये दिखा देगा यू आर लॉगिन नाउ, तो यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है, और सब में आप देख सकते हैं कि 302 यू मस्ट लॉगिन आ रहा है, और इसमें आप लॉगिन कर चुके हैं। अभी इसको हम लोग एक बार ब्राउज़र में रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या हमारा रिस्पॉन्स है। और तो इसमें हम एक बार देख लेते हैं हमारा रिस्पॉन्स, और आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड मेथड जिससे हम अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं। तो अब दूसरा है, मतलब इससे अगले वाले पे चलते हैं, और वो है रिस्पॉन्स एंड स्टेटस कोड मैनिपुलेशन। तो अब एक बार उसको देखते हैं, लॉग आउट करते हैं हम इसको, और अपनी प्रोफाइल पे जाते हैं फिर से। अब यूज़र नेम पे हम टेस्ट डाल के, और हमने जैसे कि यहाँ पे टेस्ट डाला, अब ये कोई दूसरा यूज़र है, अभी हम लोग कुछ और कोई यूज़र नहीं है हमारे पास, तो हम इसी में ही एक बार ट्राई कर लेते हैं। और जैसे कि यहाँ पे ना करके हम लोग अपने रिपीटर में ही देख लेते हैं, ये हमारे पास रिपीटर में ये रहा। अब इसमें यू मस्ट लॉगिन आ रहा है, और अब इसको हम टेस्ट करते हैं, ये कोई दूसरा यूज़र आप समझ लीजिए, और आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा वो हो चुका है। अब इसको हम दोबारा से एक बार रिपीटर में ले लेते हैं कि ताकि आपको अच्छे से समझ पाए इसको। यहाँ पे हम लोग पासवर्ड दूसरा डाल देते हैं कुछ भी, और इसको सेंड करते हैं। यहाँ पे ये यू मस्ट लॉगिन है। तो एक बार हम देखते हैं पहले तो रिस्पॉन्स, इसका जो रिस्पॉन्स कोड है उसको बदल के, क्या पता हम उससे लॉगिन कर पाएँ। तो अभी ये हमने यहाँ पे कुछ भी डाला और इंटरसेप्ट ऑन कर दिया। अब हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। अब इसमें हम इसको इंटरसेप्ट करेंगे, इसकी रिक्वेस्ट को, तो फॉरवर्ड करते हैं, और ये रहा। तो यहाँ पे एक बार हम ट्राई करते हैं 200 और ओके, यही हमारा शायद रिस्पॉन्स है उसमें, तो 200 ओके, ठीक है। अब एक बार हम ट्राई करते हैं कि हो सकता है कि स्टेटस कोड से शायद हम लॉगिन कर जाए, तो यू मस्ट लॉगिन, नहीं, यहाँ पे हम लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे। कोई नहीं, हम दूसरा मेथड अपना ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने दूसरा मेथड ट्राई कर रहे हैं, तो अब इंटरसेप्ट में रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट फिर से, और ये 302 फाउंड है। अभी हम क्या करेंगे, इसका सिर्फ स्टेटस कोड
ये यहाँ से हमने चेंज किया और रिपीटर में जो हमारा कंटेंट लेंथ है उसको हम एक बार यहाँ पे पूरे को इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। और एक बार और देख लेते हैं, हम कुछ और भी चीज़ें शायद चेंज करनी पड़े। यहाँ पे लोकेशन दिखा रखी है इन्होंने, तो वो लोकेशन और एक बार देख लेते हैं। लोकेशन ये है टेस्ट टेस्ट कुकी, वहाँ पे लोकेशन कुछ भी नहीं है, तो हम लोकेशन को हटा देंगे और यहाँ पे लोकेशन की जगह पे हम लोग कुकी ऐड कर देंगे अपना, या यहाँ पे कोई और यूज़र होता, मतलब हमने रिस्पॉन्स को चेंज कर दिया है। और अभी आप देख सकते हैं कि हम लॉगिन हो चुके हैं और हम कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हमने हेलो हेलो किया और ये हम लॉगिन है। तो इस मेथड से भी आप लोग अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं। रिस्पॉन्स एंड स्टेटस कोड मैनिपुलेशन, ये है मोस्टली केसेस में ये आपको वर्क करेगा, या तो OTP बाईपास करने के लिए या फिर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेनली उसके लिए बाईपास करने के लिए आपको ये बहुत काम आएगा। और बहुत सी वेबसाइट्स में आप इससे लॉगिन भी कर सकते हैं। और कुछ अब अगला अकाउंट टेकओवर हमारा देख लेते हैं कि जो है iDoor। तो इसमें इस वेबसाइट में शायद, मुझे नहीं पता कि हम लोग कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही यूज़र है हमारे पास। तो बहुत सी वेबसाइट में जैसे हम यहाँ पे आए और हमें यहाँ पे मिला ID equals to 1 और हमने ID equals to यहाँ पे 2 की, तो हो सकता है कि हम दूसरे यूज़र में लॉगिन कर लें। तो ये हो गया iDoor के थ्रू अकाउंट टेकओवर। अब नेक्स्ट हमारा है पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग। तो उसमें इसमें एक बार देख लेते हैं कि पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन है भी या नहीं। यहाँ पे पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन नहीं है, तो हम एक बार उस सिनेरियो को एक बार देख लेते हैं कि मान के चलो, अब एक बार मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आप लोग थोड़ा इसको समझ लेना कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे ये लॉगिन की जगह मान लो आपका ये पासवर्ड का है रीसेट, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे पासवर्ड रीसेट करना है, तो हमने मानो इस पे क्लिक किया और हमारी जो रिक्वेस्ट होगी उसको हम रीसेट रिक्वेस्ट को हमने वो किया, और यहाँ पे हम हेडर ऐड कर सकते हैं कुछ भी, जो कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो ये है यहाँ पे रीसेट और इक्वल टू कोई भी test@gmail.com। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे या तो होस्ट डाल देते हैं, अपना होस्ट चेंज कर देते हैं attacker.com, और जो अपना दूसरा एक और होस्ट डाल देते हैं, होस्ट जो ये वेबसाइट है वो मैं भूल गया क्या था, हाँ यहाँ पे हम कर देते हैं होस्ट attacker.com। तो इससे भी इसको हम सेंड करेंगे और हो सकता है कि वो जो रिक्वेस्ट है वो इस हमारे कंट्रोल डोमेन से जा रही हो। अब जैसे ही वो बंदा उस पर क्लिक करेगा तो हमारे पास हमारा कंट्रोल सर्वर है उस पर हमें एक रिक्वेस्ट आ जाएगी, जिससे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास इनका जो पासवर्ड का रीसेट टोकन है वो हमारे पास लीक हो रहा है, वहाँ पे हमें वो दिख जाएगा। अभी इसकी जगह हम कर सकते हैं एक्स फॉरवर्डेड होस्ट, ये भी हम कर सकते हैं, और भी बहुत से तरीके हैं। अब इस अटैकर को ऊपर करके इस test php1.com को नीचे कर सकते हैं। तो
एक और तरीका है कि जैसे हमारे पास रीसेट टोकन आया कोई, तो वो हमारे पास आया है मान लो थर्ड, जो अगला जो हमारा वो होगा वो अकाउंट टेक ओवर बाय एक्सप्लॉइटिंग वीक क्रिप्टोग्राफी। तो ये हमारी वेबसाइट है रीसेट, ये मतलब हो सकता है बहुत से केसेस में हो सकता है, और यहाँ पे ये एक टोकन दे रखा है मान लो 1 2 3 4 5 कुछ भी दे रखा है, और उसको हम लोग डिकोड कर सकते हैं या फिर हम समझ सकते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि वो Base64 में एनकोडेड है, तो वो है मान लो हमारी टेस्ट वेबसाइट है @gmail.com, और इसको हम ये यहाँ पे Base64 में आया, और हमारा जो रीसेट टोकन है मान लो ये, अभी हम लोग इस अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग आराम से समझ सकते हैं कि वो क्या है। हम अपने विक्टिम की जो ईमेल आईडी है, जैसे कि यहाँ पे विक्टिम की ईमेल आईडी ली हमने विक्टिम, और वो ऐसे आएगा। अब उसकी जगह हम यहाँ पे इस विक्टिम वाले को रिक्वेस्ट करके इस यूआरएल पे जा सकते हैं, और उसका रीसेट जो पासवर्ड है वो हम रीसेट कर सकते हैं। तो इससे हमें उसका अकाउंट हम कर सकते हैं एक्सेस। तो ये एक और तरीका हो गया पासवर्ड रीसेट से अकाउंट टेक ओवर करने का। अब एक और देखते हैं कि मान के चलो आपके पास जो आप उसका सेशन हाईजैक कर सकते हैं एक्सेसेस से, तो इसमें मानते हैं कि ये है, और यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट एक बार देख लेते हैं, alert1 और स्क्रिप्ट, हमें यहाँ पे मानो एक्सेसेस मिला है, ये एक्सेसेस है। तो अभी हम लोग जैसे कि इसके कुकीज़ को वो कर सकते हैं, स्टील कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, जैसे कि हम अपनी प्रोफाइल पे गए, हमने यहाँ पे लॉगिन किया, तो हमारा टेस्ट टेस्ट ये अकाउंट टेक ओवर में आप वो कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी और स्क्रिप्ट, हमने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो अभी हम देख सकते हैं कि जो हमारा कुकीज़ है वो हमारे पास आ गए हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने लॉगिन किया था तो हमारे जो कुकीज़ थे वो क्या थे, सेट कुकी लॉग इन इज इक्वल टू टेस्ट, ये हमारे कुकी थे। तो हम यहाँ से उसका कुकी चुरा के लॉग इन कर सकते हैं। तो एक और ये मेथड हो गया जिससे कि आप कुकी चोरी कर सकते हैं, और हाँ एक और तरीका है CSRF से। तो जैसे कि यहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल पे आए, अभी हम अपनी प्रोफाइल पे आए और यहाँ पे हमें ईमेल चेंज करनी है, तो ईमेल पे हम करते हैं विक्टिम से अटैकर अटैकर, और इसको हम वो कर देते हैं चेंज, और इसको हमने प्रॉक्सी में जाके अपडेट किया, और इसका हमने बना लिया CSRF POC। तो हमने यहाँ पे किया और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी मेरे हिसाब से हमारे पास ये जेसन में है, जेसन के लिए आप अलग बना सकते हैं, बट मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि अकाउंट टेक ओवर आप कैसे कैसे कर सकते हो। तो CSRF से आप अकाउंट टेक ओवर कर सकते हो, यहाँ पे इसको आप अपने सेव करोगे CSRF.html, मतलब कुछ भी नाम से .html करके, और फिर आप उसको रिक्वेस्ट करोगे ब्राउज़र में, तो उससे आप अपना वो चेंज कर सकते हो।
तो अब ये भी चेंज हो जाएगा। अभी इसका जो थर्ड वो है कि आप कई बार क्या होगा कि जब हम रजिस्टर करेंगे ना, तो मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ। मान लो हम यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ साइन अप किया हमने, और अब जैसे हमने यहाँ पे ये रजिस्टर किया और हम जैसे ही साइन अप दबाएंगे तो हो सकता है कि हमारे उसमें हमारी जैसे ये हमने किया, हो सकता है कि हमारा जो OTP है या पासवर्ड है या कुछ भी चीज़ यहाँ पे लीक हो रही हो, कोई लिंक जो कि हमें उससे वो करा दे, लॉगिन करा दे, वो यहाँ पे लीक हो रही हो, तो हम इससे हम अकाउंट टेक ओवर हम इससे भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, अकाउंट टेक ओवर्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छे से हल्का बहुत पता चला होगा। इससे आप लोग आगे इन फ्यूचर अकाउंट टेक ओवर को कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों से आप उनको हंट कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो। और अगर आपने कुछ अच्छा सीखा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं।